रिसेंटली गॉड ऑफ कटार ने भी हमारी तरह ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सर्वाइव करने से रिलेटेड वीडियो बनाई है, जिसे मुझे पता है आप सबने देखी और आप 100% कॉन्फिडेंट हो गए होंगे कि अब ज़ॉम्बी से लड़ना और जीतना आपके बाएं हाथ का खेल है। इनफैक्ट मैंने भी जब ऑल ऑफ अस आर डेड को सर्वाइव करने से रिलेटेड वीडियो बनाई थी तो आप लोग बोलने लगे थे कि ऑल ऑफ अस आर डेड को सर्वाइव करना इज नॉट अ बिग डील और हम इस तरह की किसी भी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। पर आपको कैसा लगेगा अगर मैं कहूं कि नहीं, आपने भले ही कितने ही ज़ॉम्बी सर्वाइवल वीडियोस को देखा हो, आप अभी तक इतने प्रिपेयर नहीं हो कि ऑल ऑफ अस आर डेड को सर्वाइव कर जाओ। हाँ, यू हर्ड इट राइट, भले ही ऑल ऑफ अस आर डेड को सर्वाइव करने के लिए आप में कितना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, फिर भी आप इस सिचुएशन के लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हो। और आज का ये वीडियो सभी ज़ॉम्बी वॉरियर्स के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना, नहीं तो यू गोना मिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो जानते हैं कि कौन सी हैं वो गलतियां जो मैं जानता हूं आप श्योरली ऑल ऑफ अस आर डेड के सिनेरियो में सर्वाइव करने वक्त करने वाले हो। क्यों? अगर आप 10 से 18 साल के अंदर हो, यानी कि बेसिकली टीन्स हो और एक प्रेपर्स की तरह नहीं सोचते, तो आपका इस एपोकलिप्स को सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। और आखिर क्यों? आपने अभी जितनी तैयारी करी है उसके अकॉर्डिंग ऑल ऑफ अस आर डेड की सिचुएशन को आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मन बुद्धि वाला। Now before we get into the actual reasons जिसके कारण आप All of Us Are Dead में survive नहीं कर पाओगे, मैं बता दूं कि इस scenario में बिल्कुल सीरीज की तरह ही zombies हम भी सब होने वाले हैं और वायरस भी बिल्कुल उसी तरह से स्प्रेड होंगे जिस तरह से हमने सीरीज में देखा था। तो अब जब हम पूरी सीरीज को और zombies या हम के बिहेवियर पैटर्न को जान चुके हैं, तो अब चलो जानते हैं क्यों आप All of Us Are Dead के सिचुएशन में रहोगे तो भी सर्वाइव नहीं कर सकते हो। तो एज यूजुअल आप अपने स्कूल में थे और रिसेस में आप बाकी बच्चों की तरह ही लंच कर रहे थे कि तभी आपको पता लगता है कि सडनली सभी बच्चे एक दूसरे को काटने लग गए हैं और देखते ही देखते जोनस वायरस भी सब में फैलने लग गया है और सभी ज़ॉम्बीज़ में बदलने भी लग गए हैं। यहाँ पर भागने की जगह आई एम श्योर कि आप में से कई तो अभी भी कंफ्यूज होंगे कि यहाँ चल क्या रहा है, और लोगों को एक दूसरे को काटते हुए देखने के बावजूद भी आप यहाँ स्केप्टिकल होंगे और डाउटफुल होंगे कि ये कैसी हरकतें कर रहे हैं। एंड एज यूजुअल अगर आपने इस वक्त इंस्टेंट रिस्पॉन्स नहीं किया तो आपकी भी लगने वाली है। अब हो सकता है आप सोचोगे कि मैं तो फर्स्ट ज़ॉम्बी को देखते ही मार दूंगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इट इज टोटली पॉसिबल कि ये वायरस किसी चूहे के कारण फैल जाए जिस पर आपका ध्यान ही ना जाए, और आप फर्स्ट ज़ॉम्बी को जब तक मारोगे तब तक वो चूहा हो सकता है कि किसी और को भी इन्फेक्ट कर दे। एंड इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट ज़ॉम्बी का पता ही ना लगे और कई लोग किसी अनट्रेसेबल चीज से एक साथ ज़ॉम्बी भी बन जाए। इवन इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई खराब पानी पी लें जिसके थ्रू वायरस आप में आ जाए और कई घंटों बाद आप ज़ॉम्बी बन जाए। सिंपली व्हाट आई मीन कि ज़ॉम्बी में बदलने की पॉसिबिलिटी जितना हम सोच भी नहीं सकते उससे भी कहीं ज्यादा है, और कई सारे रास्ते हैं जिससे कोई भी ज़ॉम्बी बन सकता है और हम नहीं जानते कि वो हम तक कैसे पहुंचेंगे। तो इसलिए इवन दो आपने कुछ वीडियोस देख रखी हैं, ज़ॉम्बीज को समझना इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मैंने ये पूरा चैनल ही उन पर डेडिकेटेड कर दिया है। अब जैसा कि हम स्कूल में थे और कई बच्चों में ज़ॉम्बी वायरस फैलने लग गए थे, तो आप मोस्ट प्रोबेबली ऐसे में उन्हें मारना शुरू कर दोगे, पर नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कैसे मरेंगे। देखो, हो सकता है कि आप कहो कि मंदबुद्धि तुम हो, हम नहीं, हमें पता है कि उनके सर पर मारने से वो मर जाते हैं। तो नहीं यार, हर बार ऐसा नहीं होता है। डेफिनेटली हेड टारगेट स्पॉट होता है और सालों से हमने ज़ॉम्बी फिल्मों में और सीरीज में यही देखा है, पर ऑल ऑफ अस आर डेड में नेक वल्नरेबल स्पॉट था और कई और मूवीज में भी हमने किसी और तरीके से ज़ॉम्बीज को मरते हुए देखा है। सो अब ऐसे में अगर आप उनसे लड़ने का सोचते हो तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, और यहाँ तक कि अगर आप उनसे लड़ने गए और उनका एक छोटा सा ब्लड का ड्रॉप भी आपकी आंख में चला गया तो हो सकता है कि वो आपको इन्फेक्ट कर दे और आप भी एक ज़ॉम्बी बन जाओ। अब क्या है? चलो मान लेते कि आप उन अनलकी लोगों में नहीं थे और आप थोड़े समझदार थे, तो ऐसे में अभी कुछ घंटों तक आप सर्वाइव कर गए हो और स्कूल में ही कहीं बंद हो, लेकिन अब वायरस की ज्यादा फैलने के कारण ये न्यूज गवर्नमेंट और मीडिया तक भी पहुंच गई है और मीडिया चैनल्स भी ज़ॉम्बी से क्लिप्स को टीवी में दिखाने लग गए हैं। इससे लोगों के बीच पैनिक सिचुएशन बढ़ जाएगी और सब अपना घर छोड़कर भागने लग जाएंगे। वैसे अभी तो आप स्कूल में हो तो आप फिलहाल कहीं छिपकर सेफ बचे हुए हो, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। और अगर चलो मान लेते हैं कि अगर अभी आप बाहर हो और भाग रहे हो तो बाकी लोग भी इतनी पैनिक सिचुएशन में भागना शुरू कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ विच मोस्ट ऑफ देम विल बी डेड, क्योंकि ऐसे में बहुत नॉइज होगी और ज़ॉम्बीज़ अगर आपके इलाके में होंगे तो वो आपकी तरफ बढ़ने लगेंगे और साथ ही आप ट्रैफिक जाम के कारण भाग नहीं पाओगे और भीड़ होने के कारण एक्सीडेंट का भी खतरा बढ़ जाएगा और आपका एक नहीं तो दूसरे तरीके से मरना निश्चित है। चलो इवन आफ्टर दैट आप जिंदा बच गए, तो इसके बाद ऑल ऑफ अस आर डेड की तरह ही गवर्नमेंट पर कुछ एक्शन लेने के लिए प्रेशर बनने लगेगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट टेलीकम्युनिकेशन सर्विस ऑल ऑफ अस आर डेड की तरह बंद नहीं करवाएगी, क्योंकि इस वक्त में न्यूज सर्कुलेट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और गवर्नमेंट को भी अपना मैसेज आप तक पहुंचाना है, तो इंटरनेट और टीवी जैसी चीजें काम की हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग ये सर्विस बंद नहीं हो सकती। लेकिन इतनी देर में गवर्नमेंट मिलिट्री फोर्स को पूरे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए भेज चुकी होगी,
एंड देयर इज हाई चांसेस कि वो सेक्शन 144 लगा दे और फिर जो भी उन्हें सड़कों पर मिलेगा वो उन्हें मार देंगे। और आप भी, क्योंकि अभी रोड पर ही थे तो आपका मरना भी निश्चित है। लेकिन अल्टरनेट सिचुएशन में देखते हैं कि आपके साथ स्कूल में अब क्या क्या होने वाला है। तो देखो, स्कूल में किसी सीक्रेट जगह पर आप बंद हो, लेकिन जैसा मैंने कहा, अब ज्यादा वक्त तक बंद नहीं रह सकते क्योंकि आपको प्यास भी लगेगी और भूख भी, और आपको नहीं पता कि कैसे इन सब पर कंट्रोल करना है। तो अब आप उस सीक्रेट जगह से छिपकर बाहर निकल जाओगे, लेकिन अगेन आपको कोई ज़ॉम्बी पकड़ सकता है और आप मारे जाओगे। चलो वैसे मान लेते हैं कि आपको किसी ज़ॉम्बी ने अभी तक नहीं पकड़ा और आपने अपनी प्यास भूख मिटा ली, पर स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश भी मत करना, वरना इस प्रोसेस में अगेन आपको एक ज़ॉम्बी बनना पड़ सकता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि ना ही आपके पास ऑल ऑफ अस रेड के स्टूडेंट जैसी टीम होगी और ना ही आर्चर्स टीम जैसे आप में स्किल्स, तो सीधा मतलब कि आप अकेले हो और आपके पास चूंकि कोई फ्रेंड्स या टीम मेंबर नहीं है और ना ही आपके पास कोई वेपन्स या सेल्फ डिफेंस के लिए इक्विपमेंट है, तो आपको अकेले काफी दिक्कत होने वाली है। और इसलिए मैं कहता हूं कि मैं इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर आओ, मुझसे कनेक्ट हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारी ज़ॉम्बी वॉर्स की टीम ग्रो हो रही है और जब भी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होगा तो हम एक साथ खड़े रहेंगे। और जहां भी आपको हेल्प की नीड होगी, तो नॉट जस्ट इन ज़ॉम्बी एपोकलिप्स बट इवन इन एनी कैटास्ट्रोफी, हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे। खैर चलो, ये भी मान लेते हैं कि आपने अपनी टीम फॉर्म कर ली है, तो भी आप में से कोई भी ना बहुत ज्यादा फास्ट होगा और ना किसी तरह की मार्शल आर्ट आपको आती है, तो ऐसे में ज़ॉम्बी से लड़ना बहुत दूर की बात है, आप उनके सामने खड़े भी नहीं हो पाओगे। और अगेन चलो फिर भी मान लेते हैं कि आप किसी तरह से जिंदा बच गए और आपका कोई टीम मेंबर या दोस्त गलती से ज़ॉम्बी बन गया, तो आप चूंकि उनसे काफी अटैच्ड होगे तो आप उनको छोड़ नहीं पाओगे और एक बार फिर आप ज़ॉम्बी बन सकते हो। इसके अलावा अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और सब लोग जिंदा बच गए हो, तो भी आगे जो खतरा मिलने वाला है उनसे बचना नामुमकिन जैसा है और आप उनसे जिंदा रहने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। और वो खतरा है हाम्बी, इस स्पेशल टाइप के ज़ॉम्बी के बारे में अगर आप नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आराम से आप उसे देख लेना। तो अब फाइनली आप और आपके क्लासमेट्स और बाकी टीम मेंबर्स भी किस तरह से स्कूल के ज़ॉम्बी से बचकर निकल गए, लेकिन अब हो सकता है कि आपको बाहर निकलता देख और भी लोग आपसे हेल्प लेने आ जाए। और चूंकि आप जानते हो कि टीम में ज्यादा लोग के होने से सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं और वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो आप उस न्यू दोस्त को भी टीम में ले लोगे। और चूंकि आप नहीं जानते थे कि वो एक हाम्बी है, तो अगेन यू आर गोइंग टू बिकम अ ज़ॉम्बी। और अगर ऑल ऑफ अस आर डेड की तरह आप किसी तरह से तेज दौड़कर अपने दिमाग का यूज करके और आपके टीम में कोई गुड हाम्बी था तो उनके हेल्प से आप बच भी गए, तब पर भी इट इज नॉट गारंटीड कि जब आपका एरिया न्यूक डाउन होने वाला होगा तो आप उस जगह से इवैक्यूएट कर पाओगे। और अगर किसी तरह से इवैक्यूएट कर भी गए तो भी बाकी लोग अपने साथ आपको रुकने दे, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस पॉइंट पर सबको डर लग रहा होगा कि आपसे वायरस फर्दर स्प्रेड होना ना शुरू हो जाए। तो कई सारी प्रॉब्लम्स आपको सर्वाइवल के वक्त होने वाली है, लेकिन इन सब के कुछ सॉल्यूशंस या बेटर अल्टरनेटिव्स भी हैं। लेकिन उसे जानने से पहले यार वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो का मैं कोई टारगेट नहीं रख रहा हूँ, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़ॉम्बी वॉरियर्स का हिस्सा बन जाना। तो बैक टू टॉपिक, अब देखो देयर आर मल्टीपल रीजन बिकॉज ऑफ विच यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव ऑल ऑफ अस आर डेड। लाइक नंबर वन, आपकी कोई ज़ॉम्बी सर्वाइवल टीम नहीं है, सो अपनी खुद की लोकल ज़ॉम्बी वॉरियर्स की टीम बनाओ, और अगर नहीं बना सकते तो टेलीग्राम पर आ जाओ। सेकंड, अगर आपके पास कोई टीम है भी तो कोई भी ना ही सुयोग जैसा फाइटर होगा और ना ही कोई चोंगसान जितना फास्ट, एंड ऑल्सो ना कोई आपकी टीम में नामरा की तरह स्ट्रेटजी प्लान कर सकती है, तो बेसिकली आपकी टीम मेंबर्स बहुत ही स्लो और वीक है। तो एटलीस्ट कोई बेसिक स्किल्स और अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज करो, लाइक खुद से तेज दौड़ो, मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करो या आपस में ऐसी कोई प्रैक्टिस शुरू करो जिससे स्ट्रेंथ इंक्रीज हो। और तेज दौड़ना तो बेसिक स्किल है जो आप सुबह सुबह खुद से कर सकते हो और सबको आनी भी चाहिए, तो उसकी प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर दो। थर्ड, आपको ये फिगर आउट करने में भी काफी लग जाएगा कि ज़ॉम्बी वायरस कैसे स्प्रेड हो सकते हैं और क्या वाकई में जो आपके सामने चल रहे हैं वो ज़ॉम्बीज हैं या कुछ और। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो छोटी सी खरोच और लापरवाही से भी ये आप में स्प्रेड हो सकता है और आप ज़ॉम्बी बन सकते हो। और हाँ, ऐसा भी मत करने लगना कि आपके सामने कोई नॉर्मल इंसान हो और आप उसे ज़ॉम्बी समझ बैठो, नहीं तो यार आपके लगने वाले अच्छे से। फोर्थ, क्योंकि आपकी टीम में कोई भी नामरा जैसी हाम्बी नहीं होगी तो आप हाम्बी से तो नहीं बच सकते हो, और फिर सरवाइव करने के लिए आप बस इनसे छिपकर ही रह सकते हो। वहीं ज़ॉम्बी एनिमल्स का भी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो भी हमें इन्फेक्ट कर देंगे और हमें इसका आइडिया भी नहीं लगेगा। फिफ्थ, आपके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं होंगे, कोई सेल्फ डिफेंस के लिए इक्विपमेंट नहीं होंगे और ना ही आपके पास कोई वेपन्स उस वक्त मौजूद होंगे। और इवन आपके पास रॉ मटेरियल्स हो तो भी आपको बेसिक आइडिया नहीं होगा कि इन रॉ मटेरियल्स को कैसे वेपन्स की तरह यूज करते हैं। और फाइनली सिक्स्थ, आप राइट टाइम पर राइट जगह पर नहीं होंगे, मतलब कि आप लकी नहीं होंगे तो आपको प्रिपरेशन का वक्त नहीं मिलने वाला है। व्हाट आई मीन कि यहाँ ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई में खराब हो फिर भी एग्जाम में पास कर गए, क्योंकि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आप स्कूल में होंगे तो हो सकता है, मेट्रो में हो सकता है, आप किसी मॉल में हो, गेम खेल रहे हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हो,
तो भी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो सकता है, और इवन आप शांति भवन में शांति से बैठे हुए हो तो भी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो सकता है। और ऐसे में अगर आप बाकी ज़ॉम्बी वॉरियर्स की तरह और प्रेपर्स की तरह एडवांस में प्लानिंग नहीं कर रहे हो, सर्वाइवल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, और अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे अपने सराउंडिंग की चीज़ों को एज अ वेपन यूज करना और सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल में लाना है, तो यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव ऑल ऑफ अस आर डेड। अब देखो, मैंने ये तो बता दिया कि क्यों आप ऑल ऑफ अस आर डेड की सिचुएशन को सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोशिश ही ना करें। और इवन ना सिर्फ हम बल्कि हमारी पूरी ज़ॉम्बी वॉरियर्स की टीम इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को सर्वाइव कर भी सकती है। लेकिन वो कैसे, उससे पहले ये वीडियो बाकी से अलग थी। तो अगर आपको पसंद आई है और इफ यू वांट कि मैं ऐसे और भी वीडियोस बनाऊं, तो कमेंट में रेडी टू फाइट लिख देना। और अब जहां तक बात है सर्वाइव करने की, तो हम सब सर्वाइव कर सकते हैं, बस हमें उसके लिए और प्रिपरेशन और स्ट्रेंथ बिल्ड करने की जरूरत होगी। और अगर आप किसी एपोकलिप्स में खुद हामी बन जाते हो तो आप स्योरली इजिली सर्वाइव कर सकते हो। तो अब हामी कैसे बनना है, इस पर वीडियो बनी हुई है, लेफ्ट साइड पर क्लिक करके आप देख लेना। और अगर आपको ये जानना है कि ट्रेन में सफर करते हुए अगर ज़ॉम्बीज आ जाए तो कैसे सर्वाइव करना है, तो राइट साइड पर क्लिक करके उसे भी देख लेना। बाय।